नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थोरिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किए गए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को शनिवार को स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हालांकि ईडी ने देशमुख की कस्टडी की मांग की थी। गौरतलब है कि अनिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद 6 नवंबर तक देशमुख को ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया था। एक अधिकारी ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का शनिवार को एक सरकारी अस्पताल में मेडिकल परीक्षण करवाया गया, जिसके बाद उन्हें दोपहर को एक विशेष अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान ईडी ने उनकी कस्टडी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इसे इनकार कर दिया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला दिया। आपको बता दें कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोमवार को 12 घंटे की पूछताछ के बाद देशमुख को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। देशमुख और अन्य के खिलाफ ईडी का मामला सीबीआई द्वारा मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा किए गए कम से कम 100 करोड़ रुपए की रिश्वत के आरोपों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में दर्ज किए जाने के बाद सामने आया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।